बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों और सभी शिक्षा प्रेमियों, सादर नमस्कार। सबसे पहले आज 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर विश्व के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज पूरा शिक्षा विभाग और विशेषकर शिक्षक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। लगातार उनका शोषण बढ़ता जा रहा है। यह बात आज चिंतन करने की, मंथन करने की और सोचने का समय है। आज तमाम साथियों से हम आग्रह करते हैं कि आज विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर इस पर चिंतन कीजिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस संक्रमण काल के लिए जिम्मेदार कौन है, इस शिक्षा और शिक्षक की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या वह सरकार जिम्मेदार है जिसके अधीन हम लोग हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर रही है, लगातार शोषण पर शोषणकारी नीति अपना रही है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि अमुक जाति के शिक्षक को हम कितना ही काम करेंगे, कुछ भी कर देंगे, फिर भी वो वोट हमें नहीं देगा, और अमुक जाति के शिक्षक को हम कुछ भी नहीं करेंगे, कितना ही गरियाएंगे, कितना ही टॉर्चर करेंगे, फिर भी वो वोट हमको देगा। क्या हम जात के आधार पर शिक्षक को सरकार ट्रीट कर रही है और उसके अनुसार हमारा मांग नहीं मान रही है, बात नहीं कर रही है, या वह नाकाम सरकार है जिसका बात कोई पदाधिकारी नहीं मान रहा है, जिसका कोई आदेश नहीं मान रहा है, या फिर वह सरकारी पदाधिकारी इसके लिए दोषी है जो पढ़ लिख करके उच्च अधिकारी पदाधिकारी तो बन गए लेकिन उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, शिक्षक से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि वह सरकार की बात भी नहीं मान रहे हैं, वो जन कल्याणकारी बात नहीं मान रहे हैं, लगातार शिक्षकों को टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर वह नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम विपक्ष दोषी है जो उप मुख्यमंत्री बनने के लोभ में, सत्ता में आने के लोभ में सरकार के दमनकारी नीति का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार के गलत नीति का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, वह दोषी है, या जो हमारा शिक्षक संघ है, संघीय पदाधिकारी है, वह दोषी है जो कभी अपने जात के नाम पर तो कभी कर्म के आधार पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर रहे हैं, धरदार आंदोलन नहीं कर रहे हैं, उन्हें लोभ है MLC बनने का, उन्हें लोभ है विधायक बनने का, या अपने जो रिलेटिव है उनको बनाने का, या वह फिर सरकार से डर गए हैं, सरकारी पदाधिकारी से डर गए हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे, अगर हम कुछ करेंगे तो हम पर सरकार कार्रवाई कर देगी, हम पर पदाधिकारी कार्रवाई कर देंगे, इस डर से वो चुप है। अगर डर से चुप है तो फिर उन्हें संघ चलाने का, संगठन में रहने का कोई औचित्य नहीं है, उन्हें संघ छोड़ देना चाहिए, उन्हें संगठन समाप्त कर देना चाहिए, या फिर वह संघ विरोधी लोग हैं, जिस तरह से अंग्रेज कुछ जमींदारों को जमीन दे दिया था तो लगातार अंग्रेज की प्रशंसा ही नहीं करते थे, बल्कि अंग्रेजी राज की बड़ाई पर बड़ाई, बड़ाई पर बड़ाई करते रहते थे, कहते थे कि अंग्रेज है तो ये फायदा है, वो फायदा है, चल जाएगा तब तो बाप रे बाप बड़का आफत हो जाएगा। आज भी कुछ हमारे साथी ऐसा है जो लगातार सरकार के सक्षमता परीक्षा, NPS, विशेष शिक्षक, UPS की प्रशंसा पर प्रशंसा कर रहे हैं। हमें शर्म आती है, दुख है कि हम जितने शिक्षक भाई बहन हैं कम से कम इंटर पास है, अधिकांश साथी हमारे BA, MA, PhD, BEd, MEd है, वैसे साथी भी कहते हैं कि UPS जो है वो OPS की ओर बढ़ता कदम है, विशेष शिक्षक जो है आप राजकर्मी हो गए, राज की ओर बढ़ता कदम है। अगर हम उस समय नहीं फूटे रहते, हम नहीं सक्षमता परीक्षा भरे रहते, आज जो ये ऐप से हाजिरी बनाने वाली बात है, मैं केशव कुमार लगातार कभी भी ऐप से हाजिरी नहीं बनाया हूं, आज तक ऐप से हाजिरी नहीं बनाया हूं, कहां हम पर कार्रवाई हो रहा है, कहां हमारा पेमेंट कट रहा है। जुल्मी उसी पर जुल्म करता है जो जुल्म सहता है। अगर आप में लड़ने की क्षमता है, आप में प्रतिकार करने की क्षमता है, तो जुल्मी भी आप पर जुल्म करने के पहले 100 बार नहीं, 1000 बार सोचेगा और आप पर जुल्म नहीं करेगा। आज हमारे कुछ नेता हैं संघ विरोधी जो कहते हैं दूर संघ 100 भाग में बट गया, अब ये सबसे कुछ नहीं के होने वाला, अब कथी हुई, अब जे करी से सरकारें करी, इस नेता सब इस सब का खत्म बा, खाली चुन हमेशा केस के बेराई, केस लड़ी, चंदा मांगी, लगातार मन तोड़ते हैं। जानते हैं आप लोग, जानते होइएगा महाभारत का युद्ध, उस समय कर्ण का सारथी राजा शल्य थे, जो पांडवों के मामा थे, जो धोखा से कौरव पक्ष में चले गए थे और कर्ण के साथी बन गए थे, लेकिन उनका उद्देश्य था कौरव का हराना, इसलिए वो लगातार कहते रहते थे जीती तो पांडवे सब बार, लेकिन अर्जुन लेखा महारथी कहाँ के हुआ, वो कर्ण का मनोबल तोड़ते रहते। ऐसे ही हमारे आज कुछ साथी मनोबल तोड़ रहे हैं संघ का और शिक्षक का। या वह शिक्षक जिम्मेदार है, शिक्षिका बहन जिम्मेदार है, शिक्षक भाई जिम्मेदार है, स्वयं जिम्मेदार है,
जो जिस तरह से आप मरे हुए लाश को फेंक दीजिए नदी में तो धारा की दिशा में बहते जाता है, उसे चील कौवा खाते खाते मगरमच्छ खाते खाते एक दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन वह धारा की दिशा में बहते रहता है, अपना उसका कोई औचित्य नहीं रहता, अपना कुछ नहीं करता है। वह शिक्षक दोषी है जो सरकार के हर दमनकारी नीति को अपना रहे हैं और बाप बाप चिल्ला रहे हैं, सरकार टाइम कब बदली, छुट्टी में संशोधन कब हुई, ऐप से हाजिरी कब हुई, लेकिन उसके सब आदेश को आंख बंद करके मानते जा रहे हैं। आप सोचिए जिम्मेदार कौन है, और उस जिम्मेदारी के लिए सच पूछिए तो सबसे अधिक जिम्मेदार हम स्वयं हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए आप तमाम साथियों से करवा आग्रह है कि आप एकजुट होकर के और पूरा मनोबल से तन मन धन बल से तैयार रहिए कि सरकार के जो आखिरी सत्र होगा शीतकालीन सत्र, उसमें हम पूरा 5.5 लाख 6 लाख शिक्षक पटना की धरती पर उतरेंगे और तब तक अपने आंदोलन को वहां करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी सभी उचित मांगों को मान नहीं लेती है। हम पटना की धरती से तब तक नहीं लौटेंगे तब तक हम अपनी पूरी एकजुटता बनाएंगे, बीच में भी आंदोलन की जरूरत हुई तो हम करेंगे, लेकिन दिसंबर जनवरी जो सत्र होगा उसमें हम जोरदार आंदोलन जरूर करेंगे और सभी साथी एकजुटता के साथ रहे करें। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार, इंकलाब जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद। हम हर हाल में अपनी उचित मांग लेकर रहेंगे। धन्यवाद।